उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। नगर निगम की अतिक्रमण दस्ते की टीम ने आज धोली बावरी दहली गेट मार्ग पर बनी दुकान पर कार्यवाही को अंजाम दिया और बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया। इस दौरान निगम की टीम को भारी आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। अवैध अतिक्रमण को लेकर लोगों की निगम के अधिकारियों और पुलिस के आला अधिकारियों से झड़प भी हुई। इसके बाद हंगामा कर रहे सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहर के आसपास एक बार फिर पैंथर की दस्तक देखने को मिली है। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध मंदिर करणी माता मंदिर परिसर में पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया है। शहर के हिरन मगरी थाना क्षेत्र में पानेरियों की मादरी में बुधवार रात को हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में आज शहर समाज ने जिला कलेक्टर के बाद प्रदर्शन कर संभाग की आईजी राज्यपाल लांबा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उदयपुर शहर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गई कि वे राह चलते लोगों पर चाकू से वार कर लोगों को घायल कर रहे हैं। सर्व समाज के लोगों ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ उन्होंने क्षेत्र में सामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की भी अपील की है। जिला प्रशासन की तरफ से गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टरेट परिसर स्थित डीआईटी में हुई जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के आलाधिकारी एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी पीसी के माध्यम से तथा बड़ी संख्या में परिवादी मौजूद रहे। नेशनल हाईवे रोड संख्या 8 फोर लेन सड़क मार्ग पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। जानकारी के अनुसार शहर से उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे के भाग जगपा कार्यालय के समीप जवाहर नगर कॉलोनी के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। बता दें इस सड़क मार्ग पर बड़ी संख्या में हल्के व भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। दूसरी तरफ समीप में आवासीय कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसके पास बैंक एवं निजी विद्यालय और पेट्रोल पंप होने से बड़ी संख्या में छोटे बड़े लोगों की भीड़ लगी रहती है। मुख्य सड़क मार्ग पर मवेशियों के जमावड़े से स्पीड से आने वाले वाहनों अनियंत्रित होकर बड़ी दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोवनिया घाट के पास वाली गली में सिवरेज का गंदा पानी फैला हुआ है। जानकारी के अनुसार यूं तो लेक्सिटी में कई स्थानों के गली और मोहल्ले में सिवरेज का पानी लीकेज हो रहा है। इसी कड़ी में पिछोला झील के त्रिपोलिया गेट के सामने से रोवनिया घाट वाली गली में लंबे समय से सिवरेज लीकेज है। सिवरेज का गंदा पानी प्रतिदिन गली में फैल जाता है। सिवरेज का गंदा पानी धीरे धीरे पिछोला झील में समाहित हो रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।